अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, तिलावत कंपटीशन, टॉपिक कंपटीशन। उस सरमनी के कुछ रिवार्ड जो तकसीम किए गए और कुछ वीडियोस जो तिलावत की शक्ल में हैं या टॉपिक की शक्ल में हैं, अभी आपके सामने पेश कर रहे हैं। कुछ मुख्तलिफ अंदाज से नातिया प्रोग्राम था, तिलावत का प्रोग्राम था और मुख्तलिफ और प्रोग्राम भी थे। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, तिलावत में ख़ास तौर पर बहुत सारे बच्चों ने मुतासिर किया था और इंशाल्लाह उसके कुछ वीडियो भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है बच्चों की तिलावत के हैं, अलबत्ता सही तरीके से शूट नहीं कर सके तो इस वजह से बेहतर अंदाज से आपके सामने पेश नहीं हो पा रहे। अलबत्ता बहुत बढ़िया, बच्चों ने हमें इस चीज़ के ताल्लुक से मुतासिर किया और ये चीज़ जहन में आ गई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तलबा हैं, ये अल्लाह के शुक्र से अगर इन पर मेहनत की जाए स्कूल के बच्चों पर, तो ये बच्चे भी बेहतर अंदाज से अपने आप को हमारे सामने पेश कर सकते हैं कुरान की तालीम के ताल्लुक से। इसी तरह दूसरी अहम चीज़ जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं या फिर यूँ समझ लीजिए कि स्कूल के जो चेयरमैन हैं, उनकी भी माशाल्लाह इस ताल्लुक से बड़ी उम्दा कारकर्दगी है, बहुत अच्छी सोच रखते हैं वो बच्चों के इस इस्लामी ताल्लुक से कि बच्चे बेहतर तरीके से कुछ सीख सकें, बच्चे कुछ बेहतर तरीके से हासिल कर सकें, उनकी कोशिश भी जारी है। तो ये चंद चीज़ें आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई बेहतर कदम उठा सकें, और होना भी यही चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर हम इनके ताल्लुक से कोई बेहतर कदम नहीं उठाएंगे तो मुमकिन है कि आगे का जो दौर है वो नहायत मुश्किल तरीन दौर है। तो इसलिए ये चीज़ें आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आप वो सरमनी अवार्ड भी देखेंगे कि उसमें दो तीन चार पाँच छः बच्चे जो हैं, कुछ हायर के हैं, कुछ लोअर के हैं, यानी कि प्राइमरी क्लास के, तो उनमें से सब बच्चों ने माशाल्लाह अच्छी अपनी कारकर्दगी से मुतासिर करके अपना अवार्ड हासिल किया। आप देखिए वीडियो किस अंदाज से बच्चे अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आखिर में आपसे कुछ और बातें भी अर्ज करेंगे। माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत आवाज में, कितनी खूबसूरत अंदाज में ये तिलावत कर रही है। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। ये चंद एक झलकियाँ थी जो हमने आपके सामने पेश की बच्चों की, उन्होंने तिलावत की थी। इसी तरह अब ये प्राइज सरमनी है, इसको भी देख लीजिए। और प्राइमरी क्लासेस माशाल्लाह ये बहुत तिलावत प्रोग्राम के लिए मेहमान खुद से हम दावत करते हैं, जो मेहमान देख रहे हैं ये एक अफसा हमारे यहाँ पे उन्होंने अपना वक्त निकाल कर हमें थोड़ा सा आगे आना है, शाबाश साथ दिया था बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, हम इनके बड़े मशहूर हैं। प्राइमरी की हम बात करते हैं, सेकंड पोजीशन अप टू फिफ्थ क्लास जो तिलावत में मिली है वो है आयमन क्लास थर्ड। अब है फर्स्ट पोजीशन की बारी प्राइमरी लेवल तक, शाबाश। आप ऐलान करोगे कि मैं करूं? शाबाश, फर्स्ट पोजीशन प्राइमरी लेवल अदीना क्लास फोर्थ, बिग हैंड फॉर अस। जो रिएक्शन दे रहा हूं मैं, ये स्कूल का नहीं है,
ये जब मैंने वीडियो पूरा देखा तो उसके बाद मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में तो टाइम नहीं मिला इसका रिएक्शन देने का, अपने ही आसपास के इलाके में। इसके बाद हम तिलावत का ही हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी तो जो थर्ड पोजीशन मिली है शुक्रमंद हो सके, और मेरे ख्याल में सारे स्कूल सहरीना फयाज इसके बाद जो सेकंड पोजीशन मिली है दैट इज फातिमा शौकत क्लास सिक्स ऑल्सो। And the very first question goes to Rehan and Adyan. Give a big hand for them. इसके बाद हम टॉपिक किसकी बात कर रहे हैं? कंटिन्यू रखना है। प्लस में थर्ड पोजीशन इट गोज टू थ्री स्टूडेंट्स, नॉट वन, थ्री स्टूडेंट्स। द वेरी फर्स्ट इज सिमरन खुर्शीद क्लास टेंथ। नेक्स्ट इज सियाद जान क्लास नाइन्थ। And the next is Muzahida, class 10th. Third position, primary classes mein. वहां पर भी third position दो students को मिल रही है। The very first is आरिज शबीर एंड द नेक्स्ट इज जोहारू। सेकेंड पोजिशन गोज टू जैनुस जोहा क्लास 9 एंड शुजा फयाज क्लास 10। बहुत खूब। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट बताऊं मैं, इट्स मोहम्मद हमजा फ्रॉम क्लास सेकेंड। इसके लिए जोरदार तालियां कीजिए। नाउ इट गोज द टर्न फॉर फर्स्ट पोजिशन एंड द फर्स्ट पोजिशन इन टॉपिक्स इन हर क्लासेस गोज टू क्लास 7th रौनक जहां क्लास 10th फिजा खुर्शीद। एंड द फर्स्ट पोजिशन फॉर प्राइमरी क्लासेस हैज बीन गिवन टू लैबा मुख्तार। तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हम अपने इदारों के अंदर इस्लामी तालीम को थोड़ा सा फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें इसमें इस्तिक़ामत बख्शे, और जो हमारा मुस्तकबिल है इसकी बेहतर तरबियत करने के ताल्लुक से हम
مزید غور و فکر کر سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ویڈیو میں اسی طرح آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.